हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 8 की मैथ्स की शास्त्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस बाय शैलेश सर में आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 किस प्रकार से होते हैं ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर हमको ये कहा गया है कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। हिरणों का एक झुंड है, उसका जो आधा भाग है वो मैदान के अंदर चल रहा है और शेष का तीन चौथाई, मतलब आधा चल रहा है और आधे का जो बचा है उसका तीन चौथाई पड़ोस में खेलकूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण, उसके बाद यानी कि आधे के तीन चौथाई जब खेलकूद कर रहे हैं तो उसमें से भी कुछ हिरण बचे ना, तो शेष बचे 9 हिरण जो है एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये सवाल होता है। सबसे पहले माना हिरणों की कुल संख्या। अब हमें नहीं पता कि हिरण कितने हैं, तो हम मान लेते हैं हिरणों की कुल संख्या है x। उसके बाद में घास चरने वाले हिरण की संख्या, घास चरने वाले हिरणों की संख्या ये हो जाएगी। अब देखो यह कुल संख्या, इसका आधा भाग जो है वो घास चर रहा है ना, तो कुल का इस एक्स का आधा यानी कि x बट्टा 2, किसी की किसी भी संख्या के बट्टा में जब हम 2 लगाते हैं तो वो अपने से आधी हो जाती है। तो घास चलने वाले हिरणों की संख्या हो गई x बट्टा 2 यानी इसका आधा। उसके बाद में बात आती है खेलने वाले हिरणों की। वो कहता है कि शेष बचे हिरण, यानी कि ये तो कुल हिरण थे, ये घास चल रहे थे, उसके बाद जो हिरण बचे ठीक है उसका तीन चौथाई ठीक है ना पड़ोस में खेलकूद कर रहा है। तो खेलकूद वाले या खेलकूद करने वाले हिरणों की संख्या। अब सबसे पहले ये कुल हिरण थे ठीक है, उसमें से ये आधे जो है घास चल रहे थे तो इसमें से हमने ये आधा घटा दिया। कुल ये थे, उसमें से आधे घास चर रहे थे, तो बचे कितने, इतने ही तो बचे x माइनस x बटा 2। ये जो हिरण बचे हैं इनका एक तिहाई, सॉरी इनका तीन चौथाई, इनका तीन चौथाई का मतलब आप समझते गुणा, इनका का मतलब गुणा, तीन चौथाई जो है क्या कर रहे हैं खेलकूद कर रहे हैं, यानी इनका इनका तीन चौथाई खेलकूद कर रहे हैं। तो खेलकूद करने वाले हिरणों की संख्या कितनी आ गई, 3/4 इंटू एक्स माइनस एक्स बट्टा 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। अब पानी पीने वाले हिरणों की संख्या, पानी पीने वाले हिरणों की संख्या बराबर में है 9। पानी पीने वाले हिरणों की संख्या कितनी है, 9 है। तो आइए, मेरे पास कुल संख्या हिरणों की है x, घास चरने वाले हिरणों की संख्या इसकी आधी यानी x बटा 2, खेलकूद करने वाले हिरणों की संख्या x माइनस x बटा 2 इंटू में 3/4 और पानी पीने वाले हिरणों की संख्या मुझे दी हुई है 9। तो इन्हीं सब चीजों से मुझे एक समीकरण बनानी है। आइए देखते हैं किस प्रकार से समीकरण बनती है। तो सबसे पहले आप जानते हैं ठीक है, अब हमें क्या करना है, घास चलने वाले हिरणों की संख्या कितनी थी x बटा 2, उसके बाद में जो घास चलने वाले के बाद में खेल कूद करने वालों की संख्या थी 3/4 ब्रैकेट में x माइनस x बटा 2 ठीक है, और प्लस पानी पीने वाले हिरण, तो यही तो थे सारे हिरण टोटल है ना,
ये घास चरने वाले, ये खेलकूद करने वाले और ये पानी पीने वाले, ये सारे मिलकर के कुल कितने हिरण हो जाते हैं, जितने हमने स्टार्ट में माने थे। सारे हिरणों की संख्या तो एक्स ही है, तो ये जुड़ करके एक्स के बराबर होंगे। अब ये समीकरण हमें हल किस प्रकार से करनी है, आइए देखते हैं। ये एक्स बटा दो यहाँ पर पड़ा है प्लस तीन बटा चार, देखिये ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, तो तीन बट्टा चार की गुणा इस एक्स से भी होगी और तीन बट्टा चार की गुणा एक्स बट्टा दो से भी होगी। तो जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, तीन बट्टा चार की जब हम एक्स से गुणा करते हैं तो तीन एक्स, तीन की गुणा एक्स से होगी, तीन एक्स बट्टा में रह जाएगा चार, तो यहां पर आ गया तीन एक्स बट्टा चार, ठीक है। और फिर जब हम तीन बट्टा चार की एक्स बट्टा दो से गुणा करते हैं, तीन की गुणा एक्स से हुई यहाँ पर तीन एक्स आएगा, और चार की गुणा दो से होगी तो यहाँ पर आ जाएगा आठ, यानी तीन एक्स बट्टा में आठ, प्लस में मेरे पास में पड़ा है नौ, बराबर में मेरे पास पड़ा है एक्स। अब हम क्या करते हैं, एक्स एक्स की जितने भी टर्म है उसे हम एक साइड कर लेते हैं और डिजिट जो है हमारी दूसरी साइड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक्स बट्टा दो यहाँ पर पड़ा है प्लस का, तीन एक्स बटा चार यहाँ पड़ा है माइनस का, तीन एक्स बटा आठ यहाँ पड़ा है, ये प्लस का एक्स है इसको इस तरफ ले लेते हैं, ये माइनस का एक्स हो जाएगा और ये प्लस का नाइन उधर जाकर के माइनस का नाइन हो जाएगा, प्लस का नौ उधर जाके माइनस का नौ हो जाएगा। अब हम लेंगे इन सबका, इसके बटा में मैं एक लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लेंगे इन सबका एलसीएम, इन सबका हम लघुत्तम लेंगे, ठीक है। तो इन सब का लघुत्तम आएगा आठ, आठ। अब आठ में दो का भाग चार बार जाता है, चार की एक्स से गुणा होगी तो चार एक्स आएगा, है ना, है ना। देखिए आठ में दो का भाग चार बार जाता है, चार की गुणा हमें एक्स से करनी है। उसके बाद में आठ में चार का भाग दो बार जाता है तो दो की गुणा तीन एक्स से होगी। उसके बाद में आठ में आठ का भाग एक बार जाता है तो एक की गुणा तीन एक्स से होगी। उसके बाद में आठ में एक का भाग आठ बार जाता है तो आठ की गुणा एक्स से होगी, बराबर में पढ़ा अभी मेरे पास माइनस का नौ। तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, आइए हम देखते हैं इससे आगे क्या होता है। यहां तक पहुंचने के बाद देखिए चार की गुणा एक्स से हुई तो यहां पर आ गया चार एक्स, प्लस दो की गुणा तीन से हुई दो तीन छह एक्स, फिर माइनस का निशान है, तीन एक्स की गुणा एक से होगी तो तीन एक्स से कम तीन एक्स ही होगा। उसके बाद में माइनस का निशान यहाँ पर पड़ा है, आठ की गुणा एक्स से होगी तो यहाँ पर आठ एक्स ही होगा, बटा में मेरे पास पड़ा है आठ और बराबर में मेरे पास पड़ा है माइनस का नौ। अब हम देखेंगे जो प्लस प्लस का है उसे हम ऊपर ऐड कर देंगे, जो इधर देखिये छह एक्स भी प्लस का है, चार एक्स भी प्लस का है तो छह चार यहाँ पर हो जाते हैं दस एक्स, ये प्लस के हैं, तीन एक्स माइनस का है, आठ एक्स भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन जब माइनस माइनस के दो डिजिट जुड़ती हैं तो उनके चिन्ह में साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये हो जाएगा माइनस का तीन एक्स और माइनस का आठ एक्स मिलकर के माइनस का ग्यारह एक्स, बटा में मेरे पास पड़ा है आठ और बराबर में मेरे पास पड़ा है माइनस का नौ। आगे देखते हैं हम इसमें क्या हो सकता है। अब यहां पर 11x में से 10x गया तो यहाँ पर मेरे पास बचता है 1x या x, और वो बचेगा किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बटा में है मेरे पास 8 बराबर में है माइनस का 9। अब माइनस से माइनस चूंकि बराबर के दोनों तरफ माइनस होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसके बाद में ये x 8 के बटा, ये 8 x के बटा में है, भाग में है, तो उधर जाकर के ये गुणा में हो जाएगा। तो आप जानते हैं x की वैल्यू आ गई 9 आठे 72, 72 यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 72। तो यानी हिरणों की जो कुल संख्या है, हिरणों की कुल संख्या यहाँ पर हो जाएगी 72, 72। तो हिरणों की कुल संख्या यहाँ पर हो जाएगी 72। इस प्रकार से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगला जो हमारा क्वेश्चन 9 है, दादाजी की आयु अपनी पोत्री की आयु की 10 गुनी है, यदि उनकी आयु पोत्री की आयु से 54 वर्ष ज्यादा है ना,
यानी कि पुत्री उनसे 54 वर्ष, जो पौत्री है पोती है वो दादाजी से 54 वर्ष छोटी है, तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। हमें फिर दोनों की आयु ज्ञात करनी है। आइए देखिए ये प्रश्न किस प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे आंसर हमारा नवा। देखिए माना पौत्री की आयु, माना पौत्री की आयु बराबर में x वर्ष। यहां पर पौत्री की आयु को हमने x वर्ष माना है। वो कहता है कि दादा की आयु अपने पौत्री की आयु की 10 गुनी है, तो दादा जी की आयु हो जाएगी, दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है, तो पौत्री की आयु x इंटू में 10 यानी कि 10x, दादाजी की आयु हो जाएगी 10x वर्ष। अब वो कहता है इसके अंदर उसने एक और स्टेटमेंट हमें दिया है, एक और बात उसने हमें कही है कि दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष ज्यादा है, है ना। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, प्रश्नानुसार दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 साल ज्यादा है, यानी कि दादाजी की आयु है 10x, अगर मैं से उसमें से पौत्री की आयु घटाऊं तो बराबर में आ जाएगा 54, है ना। मान लीजिए मैं ये कहूं कि जो एक मान लीजिए एक पौत्री है, कोई पोती है कोई, ठीक है, और वो जो है 10 वर्ष की है, और जो उसके पौत्री जो है 10 वर्ष की है और जो उसके दादा हैं वो 60 साल के हैं, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 50 साल ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, दादाजी की आयु में से पौत्री की आयु घटाएंगे, बराबर में क्या लिखेंगे 50, 60 माइनस 10 बराबर में 50। उसी प्रकार से दादाजी की आयु में से हमने पौत्री की आयु घटाई है, बराबर में लिखा है हमने 54, क्योंकि दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। आइए देखते हैं आगे, अब इसमें क्या करेंगे, 10x में से 1x चला गया तो यहाँ पर बचा 9x बराबर में है 54। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, यानी मल्टीप्लाई का निशान है, और ये 9 जो है 54 के बट्टा में आ जाएगा, 9 6 54, 6 बार, यानी x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 6, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है, यानी कि अब हमें पौत्री और दादाजी दोनों की आयु ज्ञात करनी थी, अर्थात पौत्री की आयु हमने x मानी थी और x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में 6 वर्ष, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है। इसने दादाजी की भी आयु पूछी है, दादाजी की जो आयु है वो हमने 10x ली थी, प्रश्नानुसार में कहा गया था, तो 10 और x के बीच में कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लाई का निशान है, तो इंटू एक्स, एक्स की जगह हम कितना लिखेंगे 6, तो 10 छीके या 6 दाएं 60, तो दादाजी की आयु आ गई 60 वर्ष। तो यहाँ पर पौत्री की आयु आ चुकी है 6 वर्ष और दादाजी की आयु आ चुकी है 60 वर्ष। आइए देखते हैं हम हमारा अगला 10वां क्वेश्चन। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम मानेंगे माना पुत्र की आयु एक्स वर्ष। उसके बाद में जो हमें बात कही गई है कि अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो यहां पर अमन की आयु पुत्र की आयु है एक्स और उसकी आयु जो है 3 गुनी है, तो इंटू में 3, एक्स के इंटू में 3, तो अमन की आयु हो जाएगी 3x वर्ष। अब प्रश्नानुसार वो हमें क्या कहता है कि 10 साल पहले का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति आज 60 साल का है तो 10 साल पहले वो कितने का होगा, 50 साल का, तो मुझे 10 क्या करना पड़ेगा, उसकी अभी की एज में से 10 को मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो
कहने का मतलब ये है कि अमन की जो आयु है और जो उसके पुत्र की आयु है दोनों में से मुझे 10-10 लेस करने पड़ेंगे। तो ये अमन की आयु है 3x, इसमें से मुझे 10 लेस करना पड़ेगा, और ये उसके पुत्र की आयु है x, इसमें से भी मुझे 10 लेस करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये दोनों बराबर है क्या? क्योंकि ये पुत्र है और ये पिता है, और पिता पुत्र की आयु कभी बराबर नहीं हो सकती। इसलिए वो कहता है कि 10 साल पहले उसके पुत्र की आयु पिता की आयु की 5 गुनी थी, तो मुझे 5 की गुना कहाँ करनी पड़ेगी? पुत्र में, क्योंकि पिता तो ऑलरेडी ही बड़ा, अगर मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, तो मुझे 5 की मल्टीप्लाई पुत्र की आयु में करनी पड़ेगी। तो अब इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम हल करते हैं। ये 3x-10 बराबर में 5 की गुणा x से होगी 5x, और 5 की गुणा 10 से भी होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। अब हम एक्स एक्स की टर्म को एक और कर लेंगे, डिजिट डिजिट एक और कर लेंगे, तो यहाँ पर 5x है, ये 3x प्लस का, उधर आके ये हो जाएगा माइनस का, या माइनस का 10 पड़ा है और ये माइनस का 50, इधर आके हो जाएगा प्लस का 50। तो प्लस माइनस माइनस, 50 में से 10 गया आया 40, और आएगा प्लस का क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है, और 5x में से 3x चले गए तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 2x। आइए देखते हैं आगे, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, यानी मल्टीप्लाई का निशान है। तो अब हमें ये x में यहाँ अकेला छोड़ता हूं, ये 2x के गुणा में है तो उधर जाके भाग में आ जाएगा बराबर के दूसरी तरफ आ करके। तो 40 में 2 का भाग 20 बार जाता है, x की वैल्यू आ चुकी है 20, यानी हमें पुत्र की आयु पता चल चुकी है, जिसने दोनों की वर्तमान आयु हमसे पूछी थी। तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु जो कि है 20 वर्ष, कितनी है 20 वर्ष, और अमन की वर्तमान आयु, इसने अमन की भी पूछी थी हमसे, तो अमन की वर्तमान आयु हमने लिखी थी 3x वर्ष, और 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, यानी मल्टीप्लाई का निशान है। तो 3 × 20, 3 × 6 और 0 का 0, 60 वर्ष। तो यहाँ पर पुत्र की आयु तो आ गई 20 वर्ष और अमन की आयु आ चुकी है 60 वर्ष। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 देखे हैं, किए हैं। इसी प्रकार से आप वीडियोस देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए। आप देख रहे थे शास्त्री स्कूल का ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। नमस्कार, धन्यवाद।